Hey guys, this is Tushar and welcome to my channel which name is Vlogs Law. So guys, आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें मैं आपको बताऊंगा Royal Enfield Thunderbird 350 के कुछ डिसएडवांटेज को लेकर, क्योंकि जो अपना प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ अच्छी बातें जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे जो Thunderbird को प्रेफर करा था। बट उससे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर मैं Royal Enfield के कुछ भी अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ या इसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं वो बातें आपके साथ शेयर करूँगा जो मैंने जनरली फेस करी है, क्योंकि इस गाड़ी में लगभग मैंने अभी तक इस गाड़ी को 11,000 किलोमीटर के अराउंड चला दिया है और मैंने इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ जो है फेस करी है। तो वो सारी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि होता ऐसा है कि हम लोग जब भी कोई वीडियो बनाते हैं उसमें कोई भी नेगेटिव बातें हम किसी गाड़ी के बारे में बोलते हैं तो लोग जो सोचते हैं कि हम उसकी बहुत ज़्यादा बुराई कर रहे हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इसके कुछ प्रॉस भी बताए थे, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूँगा, आप जाइए देखिए। और उसमें मैंने बहुत सारी अच्छी बातें करी Thunderbird 350 को लेकर। बट यहाँ पे आज जो मैं इसके कॉन्स को लेकर बात करने वाला हूँ, क्योंकि कोई भी मशीन हो वर्ल्ड में, चाहे वो 1 करोड़ की चाहे वो 2 करोड़ की हो, उसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल परफेक्ट हो। तो यहाँ पे Thunderbird 350 के भी कुछ कॉन्स हैं जिसको लेकर आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं क्या क्या दिक्कत जो है मैंने Thunderbird 350 में फेस करी है। तो गाइस, डिसएडवांटेज में जो सबसे पहली चीज़ आ जाती है वो है इसकी पावर और माइलेज, जिसको बहुत सारे लोगों ने शायद फेस करा होगा और मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा फेस करा है। अगर आप सिटी राइडिंग करते हो तो आपने ये दिक्कत कभी महसूस नहीं करी होगी, बट अगर आप नॉर्मल लंबे रूट में जाते हो या आप ऑफ रोडिंग करते हो तो डेफिनेटली आपने ये चीज़ फेस करी होगी। जी हाँ, आपको मिलता है गाड़ी में 350 cc का इंजन है, बट बात यहाँ पे पावर की आ जाती तो इसका जो BHP है वो है 19.8 का, जो कि 350 cc इंजन के लिए बिल्कुल भी इनफ नहीं है। अगर आप लंबे रूट में निकलते हो तो आपने वो चीज़ महसूस करी होगी कि गाड़ी में बिल्कुल भी पिकअप फील नहीं होता और कहीं ना कहीं बहुत जगह पे ये गाड़ी लैग मारती है। तो जब मैं लद्दाख इस गाड़ी को लेके गया था तो वहाँ पे ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा फेस करी। फिर मुझे लगा कि शायद पर्सनली ये मेरी गाड़ी में हो रहा है, तो मैंने और काफ़ी सारे लोगों से भी ये जानने की कोशिश करी तो सबके काफ़ी सारे रिव्यू यही मिले हैं कि गाड़ी में पिकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपके पास भी Thunderbird 350 होगी या Royal Enfield की कोई भी अदर बाइक होगी तो आपने ये चीज़ महसूस करी होगी कि इसका जो पिकअप है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसका मेजर रीज़न जो है वो है इसका इतना कम BHP। हम बात करें अदर रेंज में तो इस रेंज में जैसे आपको डोमिनार भी मिल जाती है जो कि 400 cc की बाइक है, तो वहाँ आपको BHP काफ़ी ज़्यादा मिलता है, 38.5 का आपको BHP वहाँ मिल जाता है। तो आपको उस गाड़ी में बहुत बेटर जो पिकअप और बेटर पावर मिल रही है, बट यहीं कहीं ना कहीं Royal Enfield की जो Thunderbird है वो काफ़ी ज़्यादा लैग कर जाती है। तो इस चीज़ के लिए मैं कहूँगा कि अगर आप पर्सनली पावर और पिकअप के लिए बाइक ले रहे हैं तो आप Royal Enfield Thunderbird 350 के साथ मत जाइए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी दूसरी बड़ी दिक्कत को लेकर, जो कि है इसके डिस्क ब्रेक। जी हाँ, डिस्क ब्रेक को लेकर बहुत लोगों की क्वेरी होती है कि यार जो Thunderbird के डिस्क ब्रेक हैं वो बिल्कुल भी अच्छे वर्क नहीं करते हैं। लोग बोलते हैं कि फ्रंट का भी अच्छा नहीं करता, बट मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊँ तो फ्रंट को लेकर मुझे कभी कोई दिक्कत तो नहीं हुई, बट यहाँ पर जब बात आती है रेयर डिस्क ब्रेक को लेकर तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। मैं जब भी अपनी बाइक को सर्विस के लेकर जाता हूँ तो हर बार मेरा यही क्वेश्चन रहता है वहाँ पर कि यार इसके डिस्क ब्रेक में कुछ वर्क करो, ये अच्छे से नहीं लगते, अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं। तो और वहाँ पे जो भी काफ़ी सारे लोग आए रहते हैं अपने Thunderbird लेके, तो वो भी यही अपनी जो क्वेरी लेकर आए रहते हैं कि इसके पीछे डिस्प्ले वर्क नहीं कर रहे अच्छे से। तो ये सारी दिक्कत जो है मैं बहुत महसूस करता हूँ। तो अभी के टाइम तक जो है Royal Enfield Thunderbird के अंदर नया वेरिएंट भी आ चुका है 350X, उसमें भी ABS नहीं आया जो कि आज के डेट में बहुत ज़रूरी हो चुका है। बट Royal Enfield ऐसा क्लेम करी कि जल्दी आपको Thunderbird में देखने को मिलेगा और वो भी अभी आपको सिंगल साइड मिलेगा, यानी कि फ्रंट में आपको जो है ABS देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करी जा रही कि जल्दी इसके अंदर ABS आएगा और अच्छे से वर्क होगा। बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो अगला वेरिएंट जो Thunderbird का आए उसमें जो है पीछे वाला जो रेयर डिस्क ब्रेक है उसके ऊपर अच्छे से वर्क करा जाए, क्योंकि जब भी आप ट्रैवलिंग कर रहे होते तो ब्रेक आपके अच्छे से परफॉर्म करने चाहिए। अगर ब्रेकिंग आपके अच्छी नहीं होगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको ट्रैवलिंग में दिक्कत आ जाएगी। तो आई होप कि Royal Enfield इसके ऊपर वर्क करे और आगे से हमको जो है इससे ऐसी चीज़ों की दिक्कत ना हो। तो अगली जो मुझे इस बाइक में दिक्कत लगी, शायद आपके लिए वो कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो बट कहीं ना कहीं वो एक टाइम पर मेजर प्रॉब्लम बन जाती है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ इसके टूल किट बॉक्स को लेकर, जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगा कि दिक्कत है उसमें। आप अगर क्लासिक की बात करें, हम लोग तो क्लासिक में आपको नॉर्मली आप की के जरिए खोल लेते हो, बट इसमें जो है आपको L की लगानी पड़ती है उसके थ्रू इस गाड़ी को आप इसके जो टूल किट बॉक्स को आप खोल पाते हो। तो यहाँ पहले आपको इस सेक्शन को अनलॉक करना पड़ता है, फिर यहाँ से आपको L की निकालनी पड़ती है और फिर वहाँ जाके आपको उसको अनलॉक करना पड़ता है। तो मैंने पर्सनली ये चीज़ फेस करी है लद्दाख राइड के दौरान, ऐसा हुआ था कि एक बार जब हमको यहाँ से टूल किट बाहर निकालनी थी तो इसका जो ये जो लॉक है वो काफ़ी जाम हो जाता है, जिसके कारण जो है कई बार जो L की परफॉर्मेंस नहीं दे पाती, अच्छे से वर्क नहीं करती। और हम जो है अगर पर्सनली हम लोग नॉर्मली मैकेनिक तो है नहीं, मैकेनिक होता तो शायद वो अपनी कुछ ट्रिक्स के जरिए खोल देते हैं, बट अगर हम कहीं ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहाँ पर हमको ये खोलना है
तो कई बार जाम होने के कारण ये प्रॉपरली खुल नहीं पाता और बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है इस चक्कर में। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर रॉयल एनफील्ड अगर हमको एक की लॉक दे देती तो वो ज़्यादा बेटर होता, वो ईजिली खुल जाता है, तो बट वो चीज़ यहाँ पर नहीं मिली। साथ ही साथ उसका डिसएडवांटेज एक ये भी है कि अगर आप यहाँ पर पेपर वगैरह रखते हैं तो जो एल की है वो नॉर्मली आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाती है, मीन्स एल की किसी भी शॉप में जाओगे तो आपको एल की मिल जाती है। आप उस एल की के जरिए डायरेक्टली इसको खोल सकते हो और कुछ भी मीन्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं या आपकी टूल किट जो भी रखी है वो ईजिली कोई भी आप अचानक आसानी से चोरी कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा डिसएडवांटेज लगा जो मैंने पर्सनली फील करा है। आप मुझे बताना क्या आपने अपनी गाड़ी में दिक्कत फेस करी है या नहीं। तो चलिए बात कर लेते हैं अब इसकी स्पीड को लेकर। तो यहाँ पे जो है ये थंडरबर्ड 350 जब भी आप हाईवे या लंबे रूट में लेके निकल रहे होते तो ये वाइब्रेशन आना शुरू हो जाता है गाड़ी में 80 की स्पीड से ही, और जहाँ आप 100 की स्पीड तक पहुँचते तो गाड़ी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है। गाड़ी ज़्यादा हाई स्पीड में नहीं जा पाती है क्योंकि वाइब्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये कंफर्टेबल नहीं होता राइडर के लिए कि ज़्यादा स्पीड में इसको दौड़ा सके। तो ये कहीं ना कहीं इसका डिसएडवांटेज लगता है कि 350 cc की बाइक है यहाँ पे और इतना वाइब्रेशन दे रही है। बात आ जाती है यहाँ पे कि 350 cc का इंजन भी है, लोग कहते हैं ऐसा कि गाड़ी जो बहुत हैवी है तो उस कारण जो गाड़ी में इतनी स्पीड नहीं बन पाती। तो वहीं पे हम देखें तो इस गाड़ी का जो वेट है वो है 192 kg और डोमिनार का जो वेट है वो है 182 kg, यानी कि मात्र 10 किलो के अराउंड कम है। और वहाँ पे डोमिनार की जो स्पीड और जो पिकअप है वो बहुत बहुत ज़्यादा बेटर है यहाँ पे थंडरबर्ड 350 के कंपेयर में। तो अगर आपको बिल्कुल स्पीड वाली बाइक चाहिए तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल थंडरबर्ड 350 के साथ नहीं जाइए। एडवांटेज तो मैंने आपको बताए हैं क्या क्या बाइक के एडवांटेज हैं, वो उसके लिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, उसको देखना और आपको पता चलेगा कि आपके लिए किस अकॉर्डिंग ये बाइक बेटर है और किस अकॉर्डिंग ये बाइक बेटर नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी अगली और लास्ट प्रॉब्लम को लेकर, जो कि आप में से कुछ ही लोगों ने शायद फेस करी होगी, हर किसी ने नहीं करी होगी। ये प्रॉब्लम उसने फेस करी होगी जो काफ़ी लंबे रूट में थंडरबर्ड को लेकर जाता होगा। जी हाँ, यहाँ पे जब भी मैं इस गाड़ी को ऑफ रोडिंग में लेकर गया तो जो इसकी स्पीडोमीटर की जो पत्ती है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती है और ये स्पीडोमीटर से टूट के गिर जाता है। जब भी जैसे मैं लद्दाख कम्प्लीट करके आया था, वो अच्छी किस्मत थी कि रास्ते में ब्रेक नहीं हुआ, जब मैंने कम्प्लीट कर दिया तो उसके बाद ये जो है इसकी जो पत्ती है वो ब्रेक हुई। तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि अगर लद्दाख के ट्रिप के दौरान ये ब्रेक हो जाती तो बहुत दिक्कत हो जाती, इतनी आसानी से नहीं मिलती इसकी पत्ती। तो जब मैं शोरूम में इसको लेके गया तो वहाँ पे शोरूम वालों ने बहुत ईजिली कहा कि यार ये तो बहुत कॉमन चीज़ है थंडरबर्ड में, इसकी पत्ती तो बहुत ज़्यादा ब्रेक होती रहती है, हर किसी के साथ ये होती रहती है नॉर्मली। तो मैं बिल्कुल शॉक हो गया, मुझे लगा कि मेरे साथ ये चीज़ हुई। तो ये चीज़ दर्शाती है कि इसकी जो ये यहाँ पे पत्ती है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा वीक है। तो इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं थंडरबर्ड को वर्क करना चाहिए, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि उनकी रॉयल एनफील्ड की जो भी बाइक होती है वो ऑफ रोडिंग के लिए बनी है, और ऑफ रोडिंग के लिए बनी है तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें की गलती उसमें नहीं होनी चाहिए। तो गाइस, ये तो मैंने आपको बताया अभी थंडरबर्ड 350 के कुछ कॉन्स, जो कि मुझे पर्सनली ऐसा लगा, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ फील नहीं करी होगी, बट मैं यहाँ तक गया अभी तक गाड़ी को 11,000 किलोमीटर तक चला चुका हूँ और मैंने जो जो चीज़ें इसमें फील करी है वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करी है। जनरली जो जो चीज़ मैंने फील करी वो आपको बताया, अच्छी बातें मैंने पहले शेयर करी, जो बुरी बातें मुझे इस बाइक को लेकर लगी है वो मैंने आपको बता दी। अभी यहाँ पर जो एक नया वेरिएंट भी आ चुका है थंडरबर्ड 350X, काफ़ी सारे लोग बोल रहे होंगे कि तुम तो पुरानी थंडरबर्ड के बारे में बता रहे हो, यहाँ पर नया वेरिएंट आ चुका है। तो मैं बता दूँ कि उस बाइक में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, खाली 2-4 कॉस्मेटिक चेंजेस हुए हैं, अदरवाइज बाइक बिल्कुल सेम है। तो जो चेंजेस हुए हैं वो खाली सीट को लेकर हुए हैं, आपकी जो बैठने की सीट है वो थोड़ी चेंज हुई है, साथ ही साथ जो है आपका जो हैंडल बार है उसको लेकर भी चेंजेस हुए हैं, बिल्कुल स्ट्रेट आ गया। मुझे ये हैंडल बार काफ़ी अच्छा लगता था, मैंने उसकी भी टेस्ट ड्राइव ली है, तो उसकी टेस्ट ड्राइव में मेरे को कहीं ना कहीं वो चीज़ कमी महसूस हुई है कि वो लंबे रूट के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगा मुझे वो हैंडल बार। और जो अगली चीज़ उसमें चेंजेस हुए हैं वो हैं ट्यूबलेस टायर आपको मिल रहे हैं अलॉय व्हील्स के साथ, तो ये कुछ चेंजेस हुए हैं। बाकी इंजन को लेकर कोई चेंजेस नहीं है, जो नॉर्मल बाकी सेम चीज़ें थी वो आपको उसमें मिल रही है। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई वो डेफिनेटली आपको उसमें भी मिलने वाली है, वो चीज़ आप फेस करोगे वो सारी प्रॉब्लम। तो अब आपका डिसीजन है कि आपको किस पर्पज़ के लिए लेनी है। मैं बोलूँगा सिटी राइड के लिए थंडरबर्ड 350 बहुत बढ़िया है, बट अगर आप लंबे रूट के लिए गाड़ी को लेकर जा रहे हो तो कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें इस बाइक में हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसमें राइडिंग नहीं कर सकते, राइडिंग करते हैं लोग, बहुत सारे लोग करते हैं, बट वो कंफर्ट जोन की जो बात होती है कि जो आपको मीन्स ये 1,60,000 रुपये 1,70,000 रुपये की बाइक है, तो 2 लाख से नीचे और भी काफ़ी सारी कंपनी जिसके अंदर आप जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बहुत बेटर बाइक्स मिल जाती हैं जिनमें पिकअप अच्छा है, ब्रेक अच्छे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको एडवांटेज मिलता है। हमेशा नाम के साथ मत जाओ कि लोग बोलते हैं कि रॉयल एनफील्ड अच्छी गाड़ियाँ बनाती है, और आपने यूट्यूब में भी वीडियो देखे होंगे यहाँ पे कि लोगों ने बहुत तारीफ करी इस बाइक की, क्योंकि वो नॉर्मल मैक्सिमम जो होते हैं पेड रिव्यूज़ होते हैं, बट यहाँ पे कोई पेड रिव्यू नहीं है। मैं इसको बाइक को लगभग 1 साल होने वाला है, 1 साल से चला रहा हूँ, मुझे पता है कि क्या क्या कमियाँ इस बाइक में हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी।
तो दोस्तों अभी तक के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर दे देना, और कमेंट के जरिए कुछ भी क्वारी आपको थंडरबर्ड 350 को लेकर है तो मुझसे जरूर पूछना, क्योंकि मुझे अच्छा लगा था जो मैंने यूएम रेनेगेड कमांडो के ऊपर जो वीडियो बनाया था उसमें जो आपने रिस्पॉन्स दिया, जो प्यार दिया आप, मैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपने बहुत जेन्युइन चीज़ बताई है और हम जो है बच गए। तो ऐसी सारी चीज़ें जब कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसी कमेंट्स आप कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हो, अगर आप प्लान कर रहे हो आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे जरूर पूछना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको जल्दी मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।